नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिटेल के पर्स जाए या किसी भी दुकानदार के पास जाए, आप अपने पास घर बैठे कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सिंपल तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स अच्छी अच्छी देता हूँ जो आपकी रियल लाइफ में भी काम आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। इस जो वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊँगा, ये जो एक मेरा आधार कार्ड है, मैं इसको इस मोबाइल से, यानी सिंपल सा मोबाइल, आप अपना स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल के लिए, सिंपल सा मोबाइल है माइक्रोमैक्स का, आप चाहें किसी को मदद भी कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे मैं इसका जो नंबर है वो आधार से लिंक अभी तक नहीं हुआ है। अब मुझे ये नंबर लगभग 5 से 6 साल पहले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता किसके नंबर है नंबर। अब मैं ट्राई करूँगा इसको अपने आधार कार्ड से लिंक करने से। इसमें बहुत सारा एक फ़ायदा भी होता है दोस्तों, कि बाई चांस आपका सिम खो जाता है तो बस आप अपना आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कराइए और आपकी जो डिटेल के माध्यम से आपकी जो नई सिम आपको एक्टिवेट कर दी जाती है, तो इससे फ़ायदा भी है। तो मैं चलिए करके ट्यूटोरियल आपको बताता हूँ, मोबाइल पे करके दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, ये है मोबाइल और ये रहा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को मैं यहाँ से लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चाहे वोडाफोन का नंबर हो चाहे एयरटेल का नंबर हो, एक नंबर डायल करना है आपको, जो स्क्रीन पर है वो नंबर आपको दिख रहा है, वो नंबर है 14546। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नंबर है 14546, आपको दिख रहा होगा। अब आपको इसको डायल करना है, डायल में स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, तो 31 मार्च से पहले इसको आप जरूर कर देना, बहुत ज़रूरी है। अब ये पूछ रहा है भारतीय नागरिक है तो एक दबाएं, तो आप यहाँ एक दबा देना है। आपके आधार नंबर के साथ आपके फोन नंबर के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए एक दबाएं। अब यहाँ से एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, और आधार जो कार्ड लिंक है वो नंबर और होना चाहिए आपके पास, यहाँ एक दबा देंगे। तो यहाँ एक दबा देंगे। अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। तो 12 अंक का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जो है मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो है OTP वो आ चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैसेज ऐसा आ गया है, तो यहाँ डाल दे रहे हैं। कोई और नंबर हो तो आप 0 लग दे देंगे, यहाँ पे 0 से मतलब ये हो जाएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। नंबर के साथ अपने मोबाइल नंबर के री वेरिफिकेशन के लिए किए गए आपके अनुरोध पर कार्यवाही फिलहाल जारी है, 48 घंटों के बाद री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वोडाफोन केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए मैसेज इसका आ चुका है यहाँ पे। अब ये जो मैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैसेज आया है, ये जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली लिख के आ गया है, आपकी जो आधार री वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी 48 घंटे के अंदर आपका जो आधार वो है री वेरीफिकेशन हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सावधानियां बता दे रहा हूँ आपको, किसी की भी मतलब आप इस नंबर को डायल करें तभी आप इस नंबर को अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर को लेकर बैठें, अन्यथा की स्थिति में अगर आपसे कोई वैसे पूछता है, कोई कॉल करके आपका आधार नंबर क्या है या OTP क्या है, तो किसी भी को भी आपको किसी प्रकार से OTP नहीं बताना है। दूसरी सावधानी ये है दोस्तों, आप जो है नंबर, आप जिस नंबर से डायल कर रहे हैं वही नंबर आपका होना चाहिए जिस नंबर से आप आधार कार्ड लिंक कराना चाहते हैं। अगर आप दूसरे नंबर से लिंक कराएंगे और आधार कार्ड दूसरा नंबर पर चढ़ जाएगा तो उसे आप दोबारा हटवा नहीं सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, आपका जो आधार कार्ड जब आपने बनवाया था उस समय आपसे एक मोबाइल नंबर लिया गया था, तो उस मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगा। आप ऐसे में ये इंतज़ार ना करें कि जिस नंबर को आप रजिस्टर करा रहे हैं उसी नंबर पर आएगा। अगर उस वक्त आपने OTP नंबर जो आपने दिया था आधार कार्ड जिस वक्त आपने बनवाते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था
उसी नंबर पर वह ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी आप उस नंबर पर जाकर पता कर सकते हैं जिस नंबर से आपने आधार कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे हो रिलायंस, कुछ भी सही, आप इसी नंबर से आप डायल करना है। आपका जो नंबर मैंने बता दिया जो स्क्रीन पे आप फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताना मुझे, मैं जितनी भी हो सकूँगा आपकी जो भी हेल्प होगी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बड़े भाई, आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट पर बताना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भेजिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही नहीं कि आधार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके मोबाइल से रिलेटेड हो या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक इस कमेंट बॉक्स में लिखना और मुझे सुझाव दीजिए आगे इस चैनल को कैसे कैसे मैं ग्रो करूं। और हमारा इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक ग्रुप्स पर, जैसे आप जैसे मेरे और अच्छे अच्छे दोस्त बन सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं पिछली वाली, और यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।